नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं मेयोनीज सैंडविच, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। वेजिस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो टमाटर और ककड़ी भी कट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है उसके बाद करीबन 4 चम्मच मेयोनीज, और इसमें ऐड किया है मैंने पिज़्ज़ा मिक्स मसाला। जी हाँ दोस्तों, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिल्ली फ्लेक्स, और लास्ट में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक थोड़ा सा ही ऐड करें क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो इसे 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद हमने यहाँ पर ब्रेड को ले लिया है, और उसके बाद ब्रेड को इस तरह से रख लीजिए, और इस पर जो मेयोनीज को हमने 10 मिनट का रेस्ट दिया था वेजिस लगा के, उसे बिल्कुल एक एक चम्मच ऐसे रख लीजिए और इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए। दोस्तों मेयोनीज की ये सैंडविच बहुत ही अच्छी आती है खाने में, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमने जो मेयोनीज था और वेजिस था उसे मिक्स करके इस तरह से फैला लिया है यहाँ पर। तो इसे अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हम इसमें ऊपर से ब्रेड रखेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड जो ऊपर से हम लगा रहे हैं उसमें हमने ऐड किया है ऑयल। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें जो मूंगफली का ऑयल आता है वो ऐड किया है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आप चाहें उसे ऐड करें, नहीं तो पूरी तरफ से स्किप कर सकते हैं। तो आप चाहें इसमें धनिए की चटनी, जो कि मैंने ऑलरेडी उसकी रेसिपी अपने चैनल पर शेयर किया है, आप वहां से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो यहां पर इस तरह से मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है मूंगफली का, और उसके बाद इसे इस तरह से रख लिया है। तो यहां पर मैं बता देती हूं कि धनिया की चटनी कैसे बनानी है। 5 मिनट में चटनी तैयार होती है। धनिया, मिर्ची और चना, जो हम भूंजा हुआ चना होता है वो, और इसमें आलू सर ऐड करके इस तरह से इसे पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और धनिया की चटनी रेडी हो जाएगी, जो कि सैंडविच में बहुत ही टेस्टी होती है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर सैंडविच मेकर ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हमने इसे ऑन कर लिया है। ऑयल थोड़ा सा लगाने के बाद हम सैंडविच को ऊपर से रखेंगे बिल्कुल इस तरह से, और जो ऊपर वाला हिस्सा है सैंडविच का उस पर भी ऑयल हमें लगा लेना है बिल्कुल। दोनों सैंडविच के ऊपर वाले हिस्से में हमने इस तरह से ऑयल को लगा लेना है। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसे बंद करके करीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। इसमें बहुत ही अच्छे से सैंडविच और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं, और सैंडविच मेकर का दूसरा जो बर्तन आता है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट बाद हमने इसे ओपन किया है, और हमारी जो सैंडविच है, करारी सैंडविच, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई है। और ये जो मेयोनीज की सैंडविच है बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल लगाएंगे, और जो बची हुई सैंडविच है उसे भी बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सैंडविच को तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट बनी है। और दोस्तों ज़्यादातर कोशिश करना कि जो सैंडविच है उसे गरम गरम बना के खाएं, कि तभी इसका जो मज़ा है आता है। तो यहाँ पर जो हमारी सैंडविच है परफेक्टली तैयार हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेयोनीज सैंडविच कितनी परफेक्ट बनाई है, और हमने कितनी आसान तरीके से बनाई है। तो इस सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और ये बताना ना भूलें कि मेरी बनाई रेसिपी आप सबको कैसी लगती है।